खास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। पूरे देश में घरों घरों में बप्पा के आगमन की तैयारियां की जा रही हैं और जगह जगह पर लगे पूजा पंडालों में बप्पा विराजमान हैं। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा पंडालों में स्थापित विघ्नहर्ता का विधि विधान से नेत्र पूजन किया गया। आपको बता दें, गणेश महोत्सव में 11 दिन तक इन पंडालों में पूजा पाठ की धूम रहेगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि सुल्तानपुर और कानपुर से गणेश उत्सव की जबरदस्त धूम दिखाई दे रही है। लोगों में, भक्तों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। बप्पा के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी को मनाने के लिए बड़ी धूमधाम है। पूरे देश में घरों घरों पे बप्पा के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। जगह जगह पर पूजा पंडाल लगाए गए हैं, जहाँ पर भक्तों की भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ रही है। भजन कीर्तन भी शुरू हो चुके हैं, पूजा की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधि विधान से गणेश जी की पूजा के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। महोत्सव 11 दिन तक चलेगा ये, और 11 दिन तक धूम रहेगी। इस खबर हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, गणेश चतुर्थी के दिन पूजा पंडालों में विघ्नहर्ता की मूर्ति स्थापित होगी, भक्तों में जबरदस्त धूम है, जबरदस्त जोश नजर आ रहा है गणेश चतुर्थी का ये महोत्सव मनाने के लिए, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? मनीष, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उस टाइम पर देखा है तो पूरी तरीके से कानपुर दक्षिण क्षेत्र का जो देखा है तो ये सबसे बड़ा पंडाल, सबसे बड़ा जो मुहूर्त यहाँ पे पूरत की मुहूर्त, ये 18वां जो है लगातार 18 साल से होता चला जा रहा है। और पूरी तरीके देखा है तो भगवान जो है भगवान श्री गणेश की पूजा होगी, और उसके बाद दिखाते चले अपना कैमरा से हिमांशु आसन से जाऊंगा, दिखाए पूरी तरीके से आसपास क्षेत्र जो है यहाँ पे जो है कारीगर लगे हुए, पूरी तरीके से सजावट हो चुकी है। और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको देकर के कि यहाँ पे जो कोविड काल के बाद से जो गणेश जो महोत्सव मनाया जा रहा है वो थोड़ा रुक से मनाया गया है, क्योंकि कोविड के बाद देखा जाए कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन से आदेश है कि जो है बिना परमिशन के जो है वो कहीं ना कहीं गणेश पूजा नहीं की जाएगी। उपेंद्र, 2 साल बाद कोरोना के उस महामारी से उभरने के बाद आज लग रहा है कि गणेश महोत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। क्या वहां का माहौल दिख रहा है आपको पंडाल में, क्या साजो सज्जा हो रही है? मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को भी थोड़ा दिखाएं और वहां के जो प्रबंधन के लोग हैं उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करें। जी, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो चारों तरफ जो है यहाँ के कमेटी के जो है वो पूरी तरीके से झूले की व्यवस्था करी गई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो सजावट की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आज शाम पूजा अर्चना के बाद से पूरी तरीके से यहाँ के जो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पे और उसके साफ सफाई पे और कोविड जैसी और डायरिया जैसी महामारी को लेकर के पूरी तरीके से सक्रिय है। और हमारे साथ जो है इस टाइम जो है जो कमेटी के जो अध्यक्ष है वो सुरेश त्रिपाठी जी जो है मेरे साथ खड़े हुए हैं। सुरेश त्रिपाठी जी, ये बताइए कि जो आप जो कार्यक्रम को कर रहे हैं लगातार ऐसे वर्षों से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समाज को क्या प्रेरणा देता है? ये विगत 18 वर्षों से लगातार हो रहा है और समाज में यहाँ से अच्छा संदेश जाता है, सब आसपास के लोग आते हैं, शाम को यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है और यह प्रोग्राम बड़े सौहार्द ढंग से मनाया जाता है। मैं किसी को कोई नहीं, हम सभी लोग मिलते इसको आनंद पूर्वक मनाते हैं, रहते हैं, इसके बाद का विसर्जन होता है और प्रसाद होता है। शाम को हर जगह से 8 दिन पे नई नई पार्टियाँ आती हैं, कोई मथुरा से आती, कोई जागरण से आती, कोई मुंबई से आती, कोई मुंबई से आती। अगर देखा जाए सुरेश जी, पूरी बताइए कि जिस तरीके से अब की बार आपने नए तरीके से पूरे झूले और जो देखा जाए तो काफी साफ सफाई को लेकर के और जो कोविड की इतनी बड़ी महामारी, डायरिया की महामारी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको प्रशासन से कितनी मदद मिली है? सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन अपनी पूर्ति मदद कर रहा है। दूसरा ये था कि कोविड की वजह से 2 साल प्रोग्राम न हो पाने की वजह से यहाँ की जनता के लिए एक अपार उत्साह की भावना है, आदमी कोऑपरेशन के लिए भाग रहा है और कोविड और उस सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए काम सब सुचारू रूप से हो रहा है। उपेंद्र, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कमेटी के अध्यक्ष का साफ कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था साफ सफाई को लेकर नगर निगम और जो पुलिस प्रशासन जो जी बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गणेश चतुर्थी की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से शुरू हैं, भक्तों में भी एक बड़ा उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। ये विजुअल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सुल्तानपुर और कानपुर से गणेश चतुर्थी की तैयारियों का पूरा विजुअल है। भक्तगण अभी से पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। सुल्तानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या तैयारियां हैं भगवान गणेश जी की
गणेश चतुर्थी पे भक्तों को लेकर, भक्तों की क्या तैयारियां हैं वहां पे, क्या पंडालों की क्या स्थितियां हैं और कितनी साज-सज्जा आपको वहां पे दिख रही है, थोड़ा सा बताइए, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें लगभग कुछ दिन पहले जो है, जैसे कोविड महामारी वैश्विक महामारी चल रही थी, 2 से 3 साल तक कोई धार्मिक कार्यक्रम प्रभाव नहीं मनाया गया, लेकिन इस बार लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने मिल रहा है गणेश उत्सव को लेकर, जो घर से लेकर बाहरों तक पंडालों में भी जो है खास रौनक भी दिख रही है, सजावट भी की गई है। यहाँ तक आपको बता दें महाराष्ट्र की जो मूर्ति आपको लालबाग का राजा जो आपको दिखाई देता था, वही आज आपको सुल्तानपुर का सबसे अद्भुत ये चीज मूर्ति दिखाई दे रही है और एक शानदार तरीके से पूजा पाठ भी यहाँ चल रहा है। सुबह यहाँ लगभग 7:30 के आसपास जो है आरती भी हुई थी और आरती के साथ साथ जो है यहाँ पे गंगा आरती हो गई। या विसर्जन के दौरान जो है इन्होंने कहा है बनारस का हम डमरू या ढोल मंगवा के जो है विसर्जन शोभा यात्रा के साथ जो है यहाँ से निकालेंगे हम। आशुतोष, क्या प्रबंधन समिति के कुछ सदस्यों से आप बात कर सकते हैं इस तैयारियों को लेकर कि क्या तैयारी हुई है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ बता रहे हैं आपको काफी लोग यहाँ पे है भी, देख भी रहे हैं, रौनक भी कुछ अच्छी लग रही है। हमारे बीच में एक लोग है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन सिंह। किस तरह की इस बार जो है गणेश को लेकर खास तैयारी देखने मिल रही है? सुल्तानपुर में सबसे पहली बार इतना अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा लगा। इस बार जो है यहाँ पे जो है लगभग मूर्ति है गणेश जी की, लगभग क्या हाइट है और किस तरह की जो है? कम से कम 12 फुट की मूर्ति है और पूजा आराधना बहुत अच्छी हो रही है। गंगा आरती सबसे सबसे बढ़िया गंगा आरती थी यहाँ की। सुल्तानपुर की खास रौनक क्या देखने मिल रही गणेश उत्सव? यही हमारे जो गणपत बप्पा हैं। हमारे बीच और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्या इस बार रौनक देखने मिल रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास धुरिया है। इस बार सुल्तानपुर में गणेश उत्सव को लेकर खास रौनक क्या देखने मिल रही है आपको? रौनक जो है बहुत अच्छा है, काफी मतलब पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला। यहाँ पे मूर्ति जो है बप्पा की बैठाई गई है, किस तरह की जो है पूजा चल रही है, किस तरह की आराधना चल रही है? पूजा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत शानदार है यहाँ की। सुबह भी पूजा हुई थी और अभी भी शाम को भी पूजा होगी यहाँ। जैसा कि इन्होंने बताया है सुल्तानपुर में आन बान शान के तरीके से जो है पूजा की जा रही बप्पा की, और वो बप्पा की पूजा जैसे कहा जाता है अगले वर्ष तू जल्दी या गणेश बप्पा मौर्या, इससे की पूजा जो होती है वो लोग अपना जो है आसमान संग देखिए जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। आशुतोष बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया अच्छी कवरेज आप देने के लिए हमको। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अवैध दुकानों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करते हुए दुकानों पर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक दुकानदार नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दुकानदारों ने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया और लगातार दुकानों पर सपा ऑफिस में बाहर संचालित करते रहे। ये विजुअल आप जो देख रहे हैं विक्रमादित्य मार्ग का है, जहां पे सपा कार्यालय के सामने अवैध दुकानों का निर्माण किया गया था, जिसमें झंडे बैनरों को बेचा जा रहा था। आज बाबा का बुलडोजर फिर एक बार गरजा है और उसी गरज आप देख सकते हैं कि वहां पर अवैध निर्माणों को धराशायी कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है शादाब सिद्दीकी। शादाब, बाबा का बुलडोजर फिर एक बार गरजा है और देख ही सकते हैं कि बिल्कुल अतिक्रमण को निस्तय नाबूद कर दिया गया है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? कि ये यहाँ पर पुरानी दुकानें थी, तकरीबन 2001 से यहाँ के दुकानदार बताते हैं कि की दुकानें थी, उसको आज नगर निगम ने ध्वज कर दिया है और जो नगर निगम का बुलडोजर था उसके जरिए इसको तोड़ा गया है। हम आपको ये भी बता दें कि जो नगर निगम का बताया गया है कि इसको आज नगर निगम ने तोड़ा है, वहीं जो दुकानदारों का है उनका तौर पर कहना है कि जो मुझसे थी वो उनको नहीं मिली, ये अभिना कहे आज आए हैं इन्होंने कार्रवाई अच्छी बनी। शादाब, मैं चाह रहा हूँ कि आप वहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं वहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करिए कि वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ चोखा बाटी वाले ठेला लगाए थे, वहाँ छोला कुलचे वाले भी ठेला लगा रखे थे, वहाँ पे झंडा बैनर भी बेचा जा रहा था और इन सब की एक रोजी रोटी का वहाँ पे मद्दा था। तो लोगों से बात करने की कोशिश करिए कि मतलब उनको नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने ये हटाया क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको मनीष बता दूँ कि यहाँ पे एक महिला है जो जिसकी वहाँ पे दुकान थी प्रचार की, दुकान है वहाँ पे झंडे, वो भी बड़ा नाराज है
इसके चलते उन्होंने अपना स्थल मुंडवा लिया है। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम है आपका। आपने आज अपना स्थल मुंडवा लिया है, क्या वजह रही जो आपने? दुकानें यहाँ 7-8 दुकानें थी, हम लोगों की यही रोजी रोटी थी और इसी में हम अपनी बेटी को लेकर रहते भी थे। हमारे पास कोई घर द्वार मकान कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक सोनम किन्नर नाम की हिजड़ा आई है जो अपने आप हिजड़ा बताती है, वो हिजड़ा है भी नहीं है, पनी हिजड़ा है। और वो जब से आई है साल भर करीब हो रहा, 70 लोगों का जीना हराम कर रखा हुआ है। उसी की शय से ये दुकानें तोड़ी गई हैं। बाकी सामने देखिए सारी अवैध दुकानें, उसको नहीं तोड़ी गई है। खुद सोनम किन्नर का मकान साइकिल ट्रैक ऊपर तक है, उसको नहीं तोड़ा गया। बगल में यही नाला, उसमें पक्के मकान बने हुए हैं, उसको नहीं तोड़ा गया। आगे दुकान है, उसको नहीं तोड़ा गया। खाली इतनी दुकानें क्यों तोड़ी गई? ना कोई अतिक्रमण है, ना कुछ नहीं। अगर हम लोगों के पास पैसा होता तो आज हम लोग कहीं पक्की दुकान लेके रहते, सड़क पे क्यों पड़े रहते? अब हमारी बेटी और हम इसी में रहते थे, हमारी यही रोजी रोटी थी, सब कुछ था। अब हमारे पास कुछ नहीं, हमने इसीलिए अपने बाल घुटा लिया। तब तक बाल पे सर नहीं आने, सर पे बाल नहीं आने देंगे जब तक इसका या तो तोड़े या मुझे इंसाफ दें, क्योंकि सब कुछ किया कराया इसी का है, जो भी किया है सब इसने किया है और कोई नहीं किया। ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली। देखिए जो नगर निगम का कहना है, नगर निगम के अधिकारी उनका नगर निगम कह रही हमने नोटिस दिया, हम कह रहे हमें कोई नोटिस नहीं मिली। अच्छा चलिए ठीक है, नगर निगम की बात मान लेते, उन्होंने नोटिस दिया, आगे क्यों नहीं दिया नोटिस? आगे मकान उनको और दुकानें उनको नहीं दिखी है? भले यही दिखी, आगे वाली क्यों नहीं दिखी? उनके क्या रिश्तेदार लगते थे? क्यों नहीं तोड़े उसको? अभी कब से आपकी यहाँ पे दुकान है? हमारी दुकान 15 साल से ऊपर हो गई है। तो अभी आगे आपकी क्या? हम यही बैठे रहेंगे, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपनी बेटी के साथ में आत्मदाह यही कर लेंगे। या तो मुझे रहने की जगह और खाने पीने के लिए, हमारी जो है तो रोजी रोटी कमाने के लिए व्यवस्था करें, वरना हम माँ बेटी जीवित रह के करें क्या? वैसे ही मर जाएंगे, क्यों हम डायरेक्ट एक बार में ही मर जाएं? उसको भी सुकून हो जाए जो यहाँ हिजड़ा बनी बैठी हुई है। तो असली हिजड़ा होता है वो कभी किसी को बुरा नहीं कहता, ये हिजड़ा नहीं है, ये बंतु हिजड़ा है। आप समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने दुकानें थी आपको, क्या आपने कभी नेता से बात करने की या किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता से बात करी? आप ये बताइए हम किसी नेता से क्यों बात करें? क्या कोई नेता हमारा पैरवी करेगा? हम कमाएंगे तभी तो खाएंगे, खुद कमा खुद खाते हैं। एक पार्टी के झंडा तो हम बेचते नहीं, ना सारे पार्टी के झंडा बेचते हैं, तो हम क्यों किसी एक आदमी से जाकर कहने कहेंगे? कोई नहीं किसी की मदद करता, खुद करना पड़ता है। अगर बिना बनाए खाना हम खा लेते क्या खा पाएंगे? इसे किसी नेता तक बात नहीं कहेंगे। ये देखिए मनीष, ये यहाँ के जो दुकानदार थे ये महिला, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनके पर जो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आमदा की कोशिश करेगी, आमदा करेगी और यहीं पे बैठ के ही धरना देंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद है पायल जी, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या उनकी राय है इस मामले में, क्या कहेंगे आप? अभी तो यहाँ पे नगर निगम ने किया, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बहुत गलत चीज़ है, नगर निगम ने इन गरीब परिवारों को, जिनका परिवार चल रहा था, जो किसी नेता नगरी से मतलब भी नहीं रखते थे, इनका तो कम से कम नहीं तोड़ना चाहिए। और फिर 15 साल से अगर ये रह रहे हैं, अब तो सरकार ने भी हाई कोर्ट और कोर्ट ने भी लागू कर दिया है 12 साल के ऊपर कोई अगर वहाँ रहता है तो वो जगह मुक्ति हो जाती है, तो फिर ऐसा इन्होंने क्यों किया? अगर करना था तो सभी के साथ करना चाहिए, एक ही साथ क्यों किया कि 4 ही 6 इनको दुकान नजर आई है? अब बताइए ये गरीब परिवार बेचारा कहाँ जाएगा? तो हम तो बहुत अफसोस हो रहा है हमको इस चीज को देख के, ऐसा नहीं करना चाहिए और इस पर जो है योगी बाबा जी को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी इस पर संदेह? समाजवादी पार्टी देखिए एक्शन तो कुछ नहीं, जो मदद होगी वो करेगी, जो हो सकेगा उससे किया जाएगा यहाँ पर। अब ये तो कह रही है कोई किसी पार्टी से तो थी नहीं, कि अगर कोई पार्टी से होती तो उनसे दुश्मनी थी कि चलो ये पार्टी से इसलिए तोड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा जो किया नगर निगम ने नहीं कर रहा। देखिए ये समाजवादी पार्टी के नेता थी, ये कहना है कि जो भी हुआ गलत हुआ, ये गरीब लोग हैं, इनका कोई पार्टी से मतलब नहीं। जी मनीष जी शताब, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक दुकानदारों का नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दुकानदारों को नोटिस मिलने के बाद भी उन्होंने नजरअंदाज किया, जिसके फलस्वरूप हुआ ये कि योगी का बुलडोजर फिर एक बार गरजा और वहां पर जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया। आपको बता दें कि ये अतिक्रमण आज नहीं, कई बार इसको हटाया जा चुका है। यहाँ पे आपके छोला भटूरा वाले, आपके जो छोटे किराना के छोटी दुकानदार लगाने वाले, ठेले खुमचे वाले थे, वो अपनी यहाँ पे दुकानें लगाते थे और कई बार इनको हटाया भी जा चुका था, लेकिन फिर उसके बाद नगर निगम की नोटिस देने के बाद भी इस पर इन लोगों ने वापस वहाँ पर अपनी चीज़ें लगाईं, लेकिन आज फिलहाल नगर निगम ने इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए इसको फिर से निश्चय नाबूद कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
खबर संभल से है, जहां विद्यालय की छात्राएं मांग कर रही हैं कि उन्हें बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध करा दिया जाए, जिसके चलते उन्हें कक्षा में बैठने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं विद्यालय की छात्राओं ने कहा कि बिजली ना होने पर उन्हें गर्मी में बैठना पड़ता है, विद्यालय में कोई सुव्यवस्था नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, साथ ही हम अपनी मांग काफ़ी समय से उठाते रहे हैं लेकिन प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही विद्यालय में फर्नीचर ना होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। आपको बता दें कि प्रबंध ने कहा है कि विद्यालय में सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, जो कि फर्नीचर कम है लेकिन व्यवस्था का की जा रही है, जल्दी सारी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। सर, समस्या यही है कि बच्चे कई दिन से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था प्रबंधक स्तर से नहीं कराई जा रही है, जबकि उनके संज्ञान में सारी बातें हैं, वो यहाँ आकर स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं, देख भी रहे हैं, और बच्चे कई बार प्रार्थना पत्र इस संबंध में दे चुके हैं, मैं कई बार अवगत करा चुकी हूँ कि सर ऐसी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कुल 650 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, 650 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। ये मैडम नए एडमिशन आए आपके पास 650 या पहले से? नहीं नहीं सर, पहले से नहीं थे इतने बच्चे, पहले लगभग 400 के लगभग बच्चे थे। अभी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? इस समय 652 बच्चों की संख्या है। खबर संभल से है, जहाँ विद्यालय की छात्राओं ने मांग की है कि उन्हें बैठने के लिए ना फर्नीचर दिया जा रहा है, ना वहाँ बिजली की समुचित व्यवस्था है, बड़े आरोप लगाए हैं, गर्मी में बैठना पड़ता है, विद्यालय में कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, साथ ही पानी भी मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में फर्नीचर ना होने की बात कही गई है, पानी की व्यवस्था सही से नहीं होने की बात कही गई है, विद्यालय पर बड़ा आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज संभल का मामला है ये, विद्यालय में फर्नीचर ना होने से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है, स्टूडेंट्स ने पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को हमारे सामने रखा। इस खबर पर हमारे संवाददाता संभल से मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक, विद्यालय की छात्राएं मांग कर रही हैं कि उन्हें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दी गई है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बिजली भी समय पर नहीं आती है, तमाम दिक्कतों को वहाँ की छात्राओं ने रखा है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? आपको बता दें, जनपद संभल के पीटी इंटर कॉलेज का पूरा मामला है। छात्राओं ने कल धरना प्रदर्शन करा था, धरना प्रदर्शन करने के बाद में प्रबंधक से मांग करी थी, मांग करने के बाद में उसमें छात्रों को अभी तक फर्नीचर नहीं मिला है, फर्नीचर मिलने के बाद में अभी छात्र काफी नाराज है, नाराज करने के उसमें 600 कुछ लोग बच्चे हैं उसके अंदर, और नहीं तो कोई बिजली की व्यवस्था है, और योगी सरकार लाग दावे कर रही है बच्चा को शिक्षा को लेकर, और कोई लाग दावे फेल नजर आ रहे हैं। गांव में बिजली की व्यवस्था बता रही, गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं, जैसे छात्राओं को गर्मी में बैठना पड़ता है, क्या जानकारी आपके पास? क्या वाकई में गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है विश्वविद्यालय में? ये पूरा शहर का मामला है, बीटी इंटर कॉलेज का पूरा मामला है, और इसमें कोई बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे कैसे पढ़े, और गर्मी का मौसम चल रहा है, और पढ़ने में उनकी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और दूसरी तरफ जो बीमारी का सामना, बीमारी भी हो सकती है उससे। मुबारक, आपने क्या इस इंटर कॉलेज का दौरा किया था, क्या वहाँ पे आपको लगा ऐसा कि वहाँ पे वाकई में बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुर्सी मेज नहीं है, विद्यार्थी जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं? इंटर कॉलेज में प्रवक्ता से हमारी खुद बातचीत हुई है, बातचीत करने के बाद में उन्होंने बताया, बोले इसका इंतजाम करा दिया जाएगा, जो बच्चे हैं वो नीचे बैठते हैं, कुल 400 बिंचे हैं उसके अंदर, 400 बिंचों में उसमें 600 कुछ बच्चे हैं, उसमें कैसे पढ़ पाएंगे नीचे, काफी दिक्कतों का उनके लिए सामना करना पड़ रहा है, और काफी नाराज हैं बच्चे इंटर कॉलेज के, और दूसरी तरफ जो सीएम योगी आदित्यनाथ जो लाख दावे कर रहे हैं इसकी व्यवस्था को लेकर, पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर कोई, और जो व्यवस्था है जो फेल नजर आ रही है, और सातों तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चों को कैसा गुस्सा आ रहा है। विद्यालय प्रबंधन के प्रधानाचार्य से क्या आपकी बात हुई, क्या वहाँ के कर्मचारियों से आपने बात करी इसको लेकर? उससे उनसे कुछ बातचीत हुई, हमारी बातचीत करने के बाद बोले बहुत जल्दी व्यवस्था करा दी जाएगी, और उन्होंने बताया ये भी, बोले पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, बिजली की जो व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था बताई जा रही है, और दूसरी तरफ जो फर्नीचर काम है वहाँ पर पूरा करा दिया जाएगा। पानी की व्यवस्था को लेकर भी कहा गया छात्राओं ने कि वहाँ के पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था तो शहर के अंदर तो हमेशा कमी रहती है, उसमें दूसरी तरफ जो पानी की व्यवस्था होगी, पानी उसमें गंदा फंदा आ रहा होगा, तो उन्होंने बताया तो उसको उसके लिए पूरा कर दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक अली। खबर हरदोई से है, जहां मेडिकल कॉलेज में डीएम ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इमरजेंसी वार्ड में पहुंचने के दौरान जब उन्हें किसी के फेस मास्क नहीं दिया तो उन्होंने अपना ही रुमाल निकालकर चेहरे से बांध लिया।
इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जिले में सबसे बड़े अधिकारी के साथ ये सुलूक है, तो आम पेशेंट के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता हरदोई से हंसराज सिंह मौजूद हैं। हंसराज, डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, डीएम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जहां पे उन्हें व्यवस्थाएं सही नहीं लगी, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? तीन मंत्रियों के साथ यहां पे दौरा चल रहा था, उसके डीएम साहब भी साथ में थे। डीएम साहब को जब अंदर जाते हैं इमरजेंसी वार्ड में, जो सेंसिटिव जगह होती है वहां पे उनको मास्क नहीं दिया गया, मास्क की जगह उन्होंने अपना रुमाल बांध के फेस बांध के वहां से गुजरे हैं, जबकि इमरजेंसी में जाने के बाद वहां पे ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जबकि बराबर औचक निरीक्षण हो रहा है, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो ब्रिजेश पाठक हैं अभी कुछ दिन पहले भी आए थे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं एकदम बेपटरी हैं, खस्ता हाल हैं। जबकि आए दिन वहां के वीडियो वायरल हो रहे हैं, शिकायतें लगातार हो रही हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। जबकि कल भी यहाँ पे मंत्री जो तीन हैं वो भी दौरे पे थे, उनके साथ डीएम अविनाश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन उनको मास्क न दिया गया यहाँ पे, वो भी अपना फेस बचाकर रुमाल लगाकर यहाँ से निकलते मिले हैं। डीएम ने निरीक्षण किया था वहां का, तो वहां पे अव्यवस्था आपको क्या दिखाई दी, उन्होंने क्या शिकायत करी अव्यवस्था को लेकर? जबकि पत्रकारों से बात हुई, उन्होंने लगातार शिकायतें पत्रकार कर रहे हैं, आम जनता भी शिकायत कर रही है, लेकिन कोई भी यहाँ पे जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल भी पटरी से उतरी हुई हैं, और यहाँ पे पत्रकारों को जाने से भी मना किया गया है। यहाँ की जो वाणी गुप्ता जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने पत्रकारों को अंदर जाने से भी मना कर दिया है, कैमरे से वीडियो भी नहीं बना सकते हैं। इस बाबत जब बात की गई तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत से पत्रकार आते हैं यहाँ की वीडियो बना ले जाते हैं, जबकि अगर ऐसा ही ये चलेगा कि जब पत्रकार ही नहीं वीडियो बना पाएगा तो वहां की जो हकीकत है कैसे रूबरू हो पाएंगी। स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों से क्या आपकी बात हुई है, डीएम ने क्या निर्देश दिए? बराबर बात यहाँ पे जो कल मंत्री आए थे जितिन प्रसाद, उन्होंने बराबर अपने स्तर से लोग कह रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो हालत सुधरेगी, लेकिन लगता नहीं कि सुधर पाएंगी। जबकि यहाँ पे जो आम जनता आती है अपने को दिखाने, वो भी शिकायत लगातार कर रही है, लेकिन कोई भी व्यवस्था सुधर नहीं रही है। इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।